वसंत ऋतु, बेला चंपा महक उठे, विहग सारे कुहू उठे, लताएं नर्तन कर रही, प्रेम प्रदर्शित कर रही, भ्रमर गुंजित बाग कान। भारत भूमि स्वर्ग के समान सुंदर है, यहाँ छह ऋतुएं बारी बारी से आकर प्रकृति का श्रृंगार करती है। प्रत्येक ऋतु का अपना अपना महत्व है। सभी ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहा गया है, यानी ऋतुओं का राजा कहा गया है। वसंत ऋतु सचमुच प्रकृति का यौवन है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि जाती है, पृथ्वी यौवन के भार से दबी प्रतीत होती है। वसंत ऋतु फरवरी मार्च के महीनों में आती है। इन दिनों में शरद ऋतु का प्रभाव कम हो जाता है तथा न अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस ऋतु में दिन रात लगभग बराबर होते हैं। पृथ्वी का रोम रोम सिहर उठता है। समस्त प्रकृति में माधुर्य एवं सुंदरता भर जाती है। पेड़ों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं। आम पर सुनहरा बोर आ जाता है तथा कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। बागों में रंग बिरंगे फूल अपनी सुंदरता बिखेरते हैं तथा भौंरे और रंग बिरंगी तितलियां उसके आसपास मंडराने लगती है। ऐसा लगता है मानो वे उनके साथ खेल रही हों। सरसों के फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने पीली चादर ओढ़ ली है। यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम है। इस ऋतु में शीतल एवं सुगंधित पवन चलती है, जिसमें भ्रमण करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वसंत वास्तव में ऋतुओं का राजा है। प्रकृति का कोना कोना रोमांचित तथा पुलकित लगता है, मानो यह ऋतुराज का स्वागत कर रहा हो। कवियों ने वसंत ऋतु की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी है। वसंत ऋतु में एक गुनगुनी मधुरता सारे वातावरण पर छाई रहती है। धरती स्वच्छता, हरियाली और फूलों की चटक तथा महक से नहा उठती है। होली और बसंत पंचमी जैसे मस्त त्योहार इसी काल में मनाए जाते हैं, इसलिए इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इसलिए सभी इसका इंतजार उत्सुकता से करते हैं।